पीएम मोदी ने हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का जहां शिलान्यास और उद्घाटन किया, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में देश के आदिवासियों को 80,000 करोड़ की सौगातें दी हैं। इस दौरान पीएम ने कहा है, हमारे आदिवासियों का तब विकास होगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ने झारखंड में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए हैं, इनके नेताओं के घरों से नोटों के बंडल निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बांग्लादेशियों ने यहां घुसपैठ की है, वो आदिवासियों हिंदुओं के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कोर्ट में हलफनामा दायर कर इसे नकारते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों ने यहां के लोगों की रोटी बेटी और माटी छीनने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं, लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। आप इनकी हिम्मत देखिए, इन्होंने गरीब आदिवासियों की जमीनों को लूटा, इन्होंने सेना तक की जमीन को नहीं छोड़ा। झारखंड में कोयले की खुली लूट चल रही है, ठेके पट्टे के नाम पर बालू की लूट हो रही है। जो खनिज झारखंड के विकास की पूंजी है, ये सरकार उसकी भी लूट लगी है। ये लोग गरीबों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर योजनाएं तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। आज मुझे अफसोस है कि अब जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंग गई है। ये पुरानी जेएमएम नहीं है, आज जेएमएम पर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कब्जा कर लिया है। आज जेएमएम पर कांग्रेस का भूत सवार है। भाषा बदली, चरित्र बदला और अब ये झारखंड की आत्मा को ही बदलने चले हैं। हमारी लड़ाई किससे थी? आरजेडी जैसी पार्टियों से। आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपनी लूट का ठिकाना बना रखा था। जल जंगल जमीन की खुलेआम लूट होती थी। इस इलाके को इन्होंने अपराधियों माफियाओं का सेफ हाउस बना रखा था और आरजेडी वालों को दिल्ली से कौन से दे रहा था? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आरजेडी के इस पाप में बराबर की हिस्सेदार थी। आदिवासी जननायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी।
आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। सारी योजनाएं एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर, सारी सड़कें, सारी इमारतें एक ही परिवार के बेटे बेटी के नाम पर। ऐसी परिवारवादी सोच ने देश का बहुत नुकसान किया।